हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि पीवीसी आधार कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना होगा और उसमें जाकर आपको सर्च करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, इसके बाद आपको सबसे ऊपर वाले वेबसाइट पे क्लिक करना होगा। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड। इस पर आप क्लिक करेंगे, ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट का न्यू पोर्टल लॉन्च हुआ है, उसमें आपको आप लॉगिन करेंगे। सबसे पहले लॉगिन के लिए आपको अपना आधार नंबर देना होगा और कैप्चा फिल करना होगा। चलिए आधार नंबर देते हैं, इसके बाद आप कैप्चा फिल करेंगे। इसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा, तो आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर आप एक ओटीपी आएगा, उसको आप इंटर करेंगे। इसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो देखेंगे कि आधार कार्ड का जो न्यू पोर्टल है उसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आप ऑप्शन, मैंने यह आधार कार्ड, इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एक ऑप्शन दिखेगा, आपका डिटेल दिया हुआ रहेगा, नाम दिया हुआ रहेगा, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ रहेगा, या वो एड्रेस दिया हुआ रहेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आपको पीवीसी आधार कार्ड के लिए ₹50 ऑनलाइन पे करना होगा। यस पे आप टिक लगाएंगे। अब मेक पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पेमेंट के ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। आप किसी भी माध्यम से नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या वॉलेट या पेटीएम या यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करके अपना पीवीसी आधार कार्ड 14 दिन के भीतर मंगवा सकते हैं। समय का बात किया जाए तो उसमें 14 दिन का समय लगता है और आपके घर पे यह डिलीवर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं पेमेंट करके ये आपको दिखाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैंने यह आधार कार्ड पीवीसी आधार कार्ड पहले ही ऑर्डर कर किया था, जो कि 21/9/2021 को ऑर्डर किया था और प्रिंट भी हो चुका है और ये जस्ट मेरे पोस्ट ऑफिस पे पहुंच चुका है और कुछ ही दिनों में घर पे भी आ जाएगा। जब आप पीवीसी आधार कार्ड अप्लाई कर देते हैं तो आपको एक रिसीप मिलेगा जिसमें आपका SRN नंबर दिया हुआ रहेगा, उसके जरिए आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड का स्टेटस क्या है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।